उसी समय मैं मंदिर पर था, माता रा चंडी धाम का और श्री हनुमंत लल्ला जी का मंदिर है। उसी समय प्रण किया हमने कि जब तक भारत से कोरोना नहीं जाएगा तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। मैं बर्फीला इलाका में भी जाता हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमोत्री, मैं कोई चप्पल जूता नहीं पहनता हूँ। जब प्रण कर लिए हैं अब उसका उद्धार हनुमान जी और माँ तारा चंडी करेंगे। असल में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया दो साल पहले कि भाई भारत देश में कोरोना का भयंकर लहर है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए। उसी समय मैं मंदिर पर था, माँ तारा चंडी धाम का और श्री हनुमंत लल्ला जी का मंदिर है। उसी समय प्रण किया हमने कि जब तक भारत से कोरोना नहीं जाएगा तब तक मैं चप्पल जूता नहीं पहनूंगा। मैं बर्फीला इलाका में भी जाता हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमोत्री, मैं कोई चप्पल जूता नहीं पहनता हूँ। जब प्रण कर लिए हैं अब उसका उद्धार हनुमान जी और माँ तारा चंडी करेंगे। इसी तो पर चप्पल नहीं पहनते हैं सुबह में? मैं तो देखा हूँ कई बार, हाँ विधानसभा में सुबह में देखे होंगे, लेकिन उसके बाद विधानसभा आता था तो चप्पल जूता पहन के आता था। अब नहीं पहनते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पहनते। पूरी तरह से आपने चप्पल त्यागा है, लोग क्या मतलब पूछते होंगे, बोलते होंगे ना कि क्यों चप्पल पूरा त्याग दिया, क्या जवाब दोगे? हम भाई आप लोग के प्रेम में चप्पल जूता नहीं पहनते, बात खत्म। जब तक नहीं जाएगा आप तब तक मैं नहीं पहनूंगा चप्पल। भारत से जब जीरो आंकड़ा हो जाएगा तभी मैं पहनूंगा। ठीक है।